एक बड़ी पार्टी आने वाली है आज, जा ठंडा वंडा ले आ। जी भैया। अच्छा सुन, पहले अंकल को टाइल वाइल दिखा दे, फिर चला जाइए। जी भैया। लगता है बेटा तुमने मुझे पहचाना नहीं। हाँ नहीं पहचाना, कौन हो आप? शायद तुम भूल गए बेटा, 6th क्लास में मैं तुम्हारा क्लास टीचर था, 2004 का बैच, भारतीय शिक्षा भवन स्कूल। कुछ याद आया? ओह मास्टर जी, आज क्या पाठ पढ़ाने आए हो या फिर डंडे मारने आए हो? सोनू पता तुझे, ये कहते थे कि मैं जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज देख ले मैं कहाँ हूं और ये क्यों। मास्टर जी क्या मिला आपको मास्टरगिरी करके? बेटा वो तो मेरा काम था। वही, वो आपका काम था, लेकिन आपने तो खुद को हमारा भगवान समझ लिया था। खैर छोड़ो, एक ज्ञान देने वाले को क्या ही ज्ञान दे सकता हूं मैं। क्या चाहिए आपको? लगता भूल गए मास्टर जी, कोई बात नहीं, कर लो याद कर लो आप, मैं आपकी तरह सजा नहीं दूंगा आपको। नहीं नहीं बेटा मुझे याद है, मैं कुछ ट्रायल्स। अरे मास्टर जी आप यहाँ? नमस्ते। नमस्ते। अरे पहचाना नहीं सर, मैं आपका स्टूडेंट, 6th क्लास 2005, क्लास का सबसे शैतान बच्चा, मुकुल कुमार। अरे मुकुल बेटा, इतने वर्षों के बाद। बड़े चेले हो रहे हैं गुरुजी के। और बताओ बेटा क्या कर रहे हो आजकल? बस सर आपकी दुआ से ठीक ठाक काम है मेरा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, खूब तरक्की करोगे। अरे सर मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही तो हूँ, अगर आप ना होते तो मैं क्या ही होता। वैसे भी गुरु तो भगवान ही होता है, जो अपनी डांट थप्पड़ और अपने प्यार से बच्चे की किस्मत पलट देता है। नहीं बेटा, गुरु तो सिर्फ एक जरिया होता है, असली मेहनत तो तुम जैसे स्टूडेंट्स की है। बेटा मुझे तुम जैसे स्टूडेंट्स पर गर्व है, तुमने ना सिर्फ अच्छी शिक्षा दी है बल्कि अच्छे संस्कार भी पाए हैं। अरे नहीं नहीं ओ भाई, अगर ये गुरु मिलन हो गया हो ना तो जाके कहीं और खड़े होके बात कर लो, मेरा एक जरूरी कस्टमर आने वाला है। अच्छा क्या नाम है उसका? कुमार ब्रदर्स। कुमार ब्रदर्स एंड सन्स, वो कस्टमर मैं ही हूँ। क्या सर आप? सॉरी सर मैं रियलाइज ही नहीं कर पाया, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आइए ना बैठिए ना सर। बैठ जाओ। अबे ऐसे इंसान के सामने बैठना क्या, मुझे खड़ा होना भी मंजूर नहीं है। मैंने ऐसा क्या कर दिया सर? क्या किया है? अपने टीचर की इंसल्ट करके पूछ रहा है कि क्या किया है? सर ये टीचर थे, है नहीं, और उसके लिए तो ये स्कूल से सैलरी लेते थे। अच्छा तू इनका पढ़ाया लिखाया, इनकी दी हुई शिक्षा भूल गया? नहीं भूला ना, तो फिर तू कैसे बोल सकता है कि ये तेरे टीचर थे? जब इनकी दी हुई शिक्षा आज तक तेरे साथ है तो ये तेरे टीचर हमेशा रहेंगे। आज इन्हीं टीचरों की वजह से तेरे जैसे मेरे जैसे लोग समाज में सर उठाकर चलते हैं, क्योंकि इन्हीं टीचरों ने हमें अच्छी शिक्षा दी है। इसलिए टीचर का सम्मान करना हमारा सबसे पहला फर्ज होना चाहिए। वैसे ठीक ही कहा था इन्होंने कि तू अपनी लाइफ में सच में कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि घमंड में चूर इंसान अपनी लाइफ में पैसा कितना भी कमा ले, लेकिन उसकी वैल्यू एक तिनके जितनी भी नहीं है। और जब तू इनकी इंसल्ट कर रहा था ना, तो इन्हें देख के ये लग रहा था कि इन्होंने टीचर बनके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। और ये देख के मेरा मन ऐसा कर रहा था कि तेरे कान पे दो लगाऊं और इनके पैरों में तुझे गिरा के इनसे माफी मांगवाऊं, लेकिन इन्हीं की दी हुई शिक्षा ने मुझे रोक लिया। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। वैसे भी आज के समय में गुरु और शिष्य का रिश्ता पहले जैसा रहा ही नहीं, नहीं तो कुछ शिष्य ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने अपने गुरु के लिए अंगूठा तक त्याग दिया था। लेकिन बेटा तुम जैसे बच्चों की वजह से गुरु और शिष्य के विश्वास का रिश्ता आज भी कायम है। सॉरी सर मैं थोड़ा। चुप, अब तेरी इस झूठी माफी की कोई जरूरत नहीं है। और सुन, जो तेरी और मेरी कंपनी के बीच में डील होने वाली थी ना, उसे मैं कर रहा हूं कैंसिल, और कंपनी ने जो एडवांस तुझे दिया है 2 दिन में वापस हो जाना चाहिए, समझा? गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, कहीं आराम से बैठ के बातें करेंगे।
आइए गुरु जी, आप बताइए क्या खाओगे? आराम से आराम।